हेलो स्टूडेंट्स, आई होप जो सेल चैप्टर था वो हमने पढ़ा था आपको समझ में आ गया होगा। और हमने ये भी पढ़ा था कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, और जो भी मल्टी सेलुलर या हायर प्लांट्स या हायर एनिमल्स जिनका भी डेवलपमेंट होता है वो एक सिंगल सेल से होता है, जिसको कि हम जाइगोट कहते हैं। अब चाहे वो कितनी भी कॉम्प्लेक्स या टिपिकल सेल हो या स्मॉल सेल हो या सिंपलर सेल हो, उनमें कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हर सेल का, कि सेल के अंदर एक लिविंग सब्सटेंस होता है जिसको हम प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं, और ये लिविंग सब्सटेंस इनक्लोज होता है एक मेम्ब्रेन से। तो सेल के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें मेन दो स्ट्रक्चर आते हैं, एक आता है मेम्ब्रेन और एक आता है लिविंग सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मा। अब ये जो प्रोटोप्लाज्मा है इसके अंदर दो और सब्सटेंस इंक्लूड होते हैं, दो स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, और एक होता है साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होते हैं ये एक फ्लूइड होता है, और इसके अंदर बहुत सारे जो स्ट्रक्चर है वो फ्लोटिंग करते हुए दिखते हैं। उन फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। और इनके अंदर बहुत सारे नॉन लिविंग सब्सटेंस भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेंट इंक्लूजन या साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गए सेल के, दो कंसिस्ट करते हैं, दो पार्ट, मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा एक लिविंग सब्सटेंस है, और इसकी जो डिस्कवरी है इसके बारे में जो सबसे पहले पुरकिंजे ने बताया था। इसके बाद जो प्रोटोप्लाज्मा को फर्दर इसके अंदर दो पार्ट है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मा। देन इसके अंदर जो फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, एंड जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो नॉन लिविंग सब्सटेंस होते हैं साइटोप्लाज्मा में, उनको हम बोलते हैं सेंट या साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। जो बेसिक स्ट्रक्चर आता है सेल का फर्स्ट वो है मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जो है वो सेल की आउटर कवरिंग होती है, और ये क्या करता है कि एक बैलेंस बनाए रखता है सेल के इनसाइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट के बीच में। ये जो मेम्ब्रेन्स होती है ये दो तरह की मिल जाएगी, दो तरह की पॉसिबिलिटी है। पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरा है सेल वॉल। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको आप सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, और ये एक अरेंजमेंट होता है सेल मेम्ब्रेन का, एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स का, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। या हम कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी होती है। इसका जो मेन काम है, एक तो प्रोटेक्ट करता है सेल को, ये जो इनका जो नेचर होता है वो सेमी परमेबल होता है। सेमी परमेबल का मतलब होता है कि ये अलाउ करती है सर्टेन जो आयंस या सब्सटेंसेस को इसके थ्रू पास होने में, मतलब इसमें से बहुत ही कम, मतलब ये परमिट करती है कि कौन सा मॉलिक्यूल्स इसके अंदर से पास होगा या इसके अंदर से आर पार हो सकता है। तो इट अ सेमी परमेबल नेचर होता है, और ये मेंटेन करती है, ये कंट्रोल करती है सब्सटेंसेस के मूवमेंट को। हर सब्सटेंस इसके थ्रू पास नहीं हो सकता, इसके थ्रू आर पार नहीं जा सकता। तो ये बात होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो आपको ध्यान में रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल इन नेचर होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है, और ये अलाउ करती है कि किसी भी सब्सटेंस को एंटर और एग्जिस्ट होने में, मतलब सेल के अंदर आएगी या नहीं आएगी। इसके बाद हम बात करते हैं सेल वॉल की। हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही मिलती है। अब हम बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल जनरली जो है प्लांट्स में मिलती है, जो प्लांट सेल होती है उनकी आउटर कवरिंग होती है, ये सेल मेम्ब्रेन के साथ होती है। इसके अलावा ये बैक्टीरिया और फंजाई में भी मिलती है। इसका जो कंपोजिशन है सेल वॉल का वो डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट जो सेल है उनके कंपोजिशन पे। जनरली देखा जाता है कि जो सेल वॉल है वो एक फाइब्रस पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है जिसको हम सेल्युलोज कहते हैं। तो ये सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और फंजाई के अंदर सेल वॉल मिलती है आपको काइटिन की, मतलब फंजाई की जो सेल वॉल होगी वो काइटिन की बनी होगी। इस पर क्वेश्चंस काफी बार पूछा गया है, आप ध्यान रखना। अब ये जो सेल वॉल होती है
रिजिड नेचर में होती है, ये सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है, यानी ये सेल मेम्ब्रेन के साथ होगी हमेशा। सेल मेम्ब्रेन, ये देखिए, ये मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्मा और ये न्यूक्लियस। अब ये जो सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है, इस सेल वॉल यहां होती है, तो दिस इज कॉल्ड सेल वॉल। और ये प्लांट सेल्स में और बैक्टीरिया और फंजाई में मिलती है, एनिमल सेल में नहीं होती है, और ये होती है मेम्ब्रेन। ठीक है, अब एक और डिफिनेशन है जो आपको याद रखनी चाहिए, वो है होमोस्टेसिस। होमोस्टेसिस क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मेंटेन रखती है, कांस्टेंट रखती है या स्टेबल रखती है जो सेल के इनसाइड एनवायरनमेंट है, यानी उसके जो अंदर का एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट रहता है, स्टेबल रहता है।